के दौरान जर्मनी के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम का आज भारतीय समुदाय के लोगों के मिलने का भी कार्यक्रम है। पीएम मोदी कल G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी के खास एमाउ में होना है। पीएम मोदी ने इस यात्रा के पहले जारी किए वक्तव्य में कहा कि इस दौरान वो ऊर्जा, जलवायु और बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता सुधाकर दास। सुधाकर, आपसे जानना चाहेंगे कितना महत्व देखते हैं G7 में शामिल होने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्यूनिख शहर पहुंच गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, तस्वीरों में देख सकते हैं आप, इस वक्त ये बवेरियन बैंड है और क्षेत्र का बहुत प्रतिष्ठित बैंड है और जो बड़े विदेशी राजनेता राष्ट्राध्यक्ष आते हैं उनके सम्मान में ये बजाया जाता है। तो अगर आप संगीत के गुणों को सुन सकेंगे तो थोड़ी देर उस संगीत को सुन लीजिए, क्योंकि इससे पहले जो है ओबामा वो इस तरह के बड़े जो राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो उनके सम्मान में ये धुन बजाया जाता है। अभी पीएम मोदी के सम्मान में ये धुन बजाया जाता है। है किस तरह से देखते हैं, कितना महत्व आप मानते हैं इसका? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये G7 शिखर सम्मेलन लगातार बीते कुछ वर्षों से अगर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को लगातार आमंत्रित किया जा रहा है। इस बार भी एक गेस्ट कंट्री के तौर पर भारत इसमें आमंत्रित किया गया है और खासतौर से बिल्कुल, प्रधानमंत्री इस वक्त म्यूनिख पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री की काफ़ी महत्वपूर्ण ये यात्रा है। प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में भी यहां हिस्सा लेंगे।